फोर्थ चैप्टर है एक्सरसाइज 4.1 का, ये फोर्थ सवाल है, फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ सवाल है। इसको जो है अब हमने सॉल्व करना है, जिस तरह हम लास्ट सवाल सॉल्व किया था, जिस तरह ये भी उसी तरह है बिल्कुल। शुरू में इसका भी हमने जुजाफिया कर लेना है, यानी एलसीएम। तो इसका जो है एलसीएम ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इसमें एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों आ जाते हैं। या इसको जो है आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी के आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस वाई, उसके बाद माइनस वाई रह जाएगा। ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा माइनस वाला एक्स माइनस वाई, उसके बाद माइनस दो एक्स वाई, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे जो है आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब जो है आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने जो है मल्टीप्लाई कर लेना है, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई बटे में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसको जो है आपको ओपन करके लिख देना है, बाद में आखिर में बंद करना पड़े तो कर दें, वरना इसे खोल कर दें। शुरू में अगर आप इसे इस जगह पर भी खोल कर लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं, आपका जो है एलसीएम लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब आप देखें कि कोई जो है आपका वो कैंसिल हो तो आप कर सकते हैं। ये जो है ये एक्स वाई जो आप मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का आएगा, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद दो एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब आपने इस तरह इसको लिख देना है। इसको लिखने के बाद आपने जो है आसान तरीका है, आप वही कर लें। ये जो है ये फार्मूला है, ये क्या बना हुआ है फार्मूला, क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई फार्मूला है, वो आपको क्या कहता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करो तो आप क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो है इस सवाल को अगर गौर करो तो हमारे पास इस सूरत में आया हुआ है, अब हम इसे इस शक्ल में बंद कर देते हैं तो ये जो है हमारा सवाल बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये इज इक्वल टू हो जाएगा। अब जो है आपने इसको ओपन करना है, इसको दो तरीकों से ओपन किया जा सकता है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। x माइनस वाई होल स्क्वायर जो है, एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वो एक है ये ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा तरीका है ए माइनस बी, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दो का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर लेना है तो पाँच मल्टीप्लाई पाँच लिख देना है। तो इसको हमने दो बार लिख देना है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई और बटे में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो अब ये माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये जो है ये हमारे पास आंसर है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास फोर्थ चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज का ये सवाल है, ये छठे सवाल का फिफ्थ जुज है। तो इस सवाल को जो है हम जिस तरह हमने लास्ट सवाल किए हैं, ये भी सेम टू सेम उसी तरह है। इसको जो है मैं आपको शॉर्टकट फार्मूले से बताता हूँ। आपने
क्या करना है, इधर से एक्स कॉमन ले लेना है, तो बाकी रह जाएगा एक्स प्लस वाई। बटे में आपके पास है वाई एक्स प्लस वाई, उसके बाद ये डॉट है, डॉट के बाद फिर आपने जो है इधर से एक्स कॉमन ले लेना है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास फिर एक्स प्लस वाई बाकी रह जाएगा, बटे में है वाई एक्स प्लस वाई, ये डिवाइड हो रहा है। तो जिस तरह हमने लास्ट सवाल में किया था, जब हमने क्रॉस लगाया था तो दूसरी तरफ जो दाई तरफ वाली रकमें थी उनके साथ हमने क्या किया था, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर लगा दी थी, तो इधर क्रॉस लगाया, ये वाली रकम ऊपर और ये वाली नीचे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई माइनस 2 वाई। ठीक है, अब ये जो है हमने इसको अरेंज कर लिया है, इस हिसाब से जो है अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इधर से देख लें तो कोई कट रहा है तो इधर से काट दें, ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास सिंपली बाकी बच गया एक्स वाई, इधर भी वैसी ही सूरत हाल है तो इधर भी एक्स ओवर वाई बच गया, इधर से आपने कॉमन ले लेना है वाई को, तो बाकी आपके पास क्या रह जाता है, एक्स माइनस 2, क्योंकि वाई तो आपका कॉमन आ चुका है, तो एक्स माइनस 2 बाकी रह जाता है। इस इधर से आपने एक्स को कॉमन ले लेना है, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस एक्स चला गया, बाकी 1 बच गया। इसको जो है आपने आगे सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ये देखें ये एक्स डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाई मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच गया, एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, तो इनको मल्टीप्लाई दे दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स एक्स माइनस 2 वाई एक्स माइनस 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल जो है आपको अच्छे और आसान तरीके से समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें और खुद कंप्लीट करें, फिर आपको जो है ये सवाल इजीली याद हो जाएगा। Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your